हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि अनियन एंड गार्लिक क्या ये मॉडिफाइड स्टेम है या फिर मॉडिफाइड लीफ है? क्योंकि अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो स्टेम के अंदर भी बल्ब आता है। बल्ब में हमें दो कॉमन एग्जांपल दिए होते हैं विच इज अनियन एंड गार्लिक। तो समझते हैं कि एक्चुअल में अनियन का कौन सा पार्ट मॉडिफाइड स्टेम है, कौन सा पार्ट मॉडिफाइड लीफ है। तो ये हमारे पास में अनियन है। अगर हम इस अनियन की बात करें बच्चों, ये वाला पोर्शन जिसको हम काट के फेंक देते हैं, इसको हम रिड्यूस्ड डिस्क कहते हैं। दिस वन इज योर मॉडिफाइड स्टेम। लेकिन अगर हम इसको काटें और हम इसको टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट करके देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है जिसको आप एक्चुअल में खाते हैं, दीज आर योर फ्लैशी लीव्स। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज योर मॉडिफाइड स्टेम। तो अनियन में हमारे दोनों एग्जांपल्स हैं, मॉडिफाइड स्टेम का भी एग्जांपल है, मॉडिफाइड लीफ का भी एग्जांपल है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं गार्लिक की तो ये आपकी गार्लिक हो जाती है। गार्लिक में भी हम सेम चीज देख पाएंगे, ये वाला जो पोर्शन जिसको हम काट के फेंक रहे हैं, दिस इज योर रिड्यूस्ड डिस्क और इसको आप मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जिसको आप खाते हैं या वेजिटेबल्स में यूज करते हैं, दीज ऑल आर योर मॉडिफाइड लीफ, ये सारी आपकी मॉडिफाइड लीफ होती है। ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में भी लिखी है। आइए एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं पेज नंबर 71, जहाँ पे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक विल स्टोर फूड। सो बेसिकली दीज आर द फ्लैशी लीव जो हमने अभी शो करी है। तो ये आपकी लीफ वाला पोर्शन है और जो पार्ट हम कट करके फेंक रहे हैं वो आपका रिड्यूस्ड डिस्क माने स्टेम वाला पोर्शन है। Stay tuned for more such information.